हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ ईएमटी के बारे में, किस तरह बैंड किया जाता है, कितने का बैंडियर है, कितने का पैप है और कितना डिग्री में बैंड किया जाता है। पहले का वीडियो आपने देखा तो बहुत प्यार दिया आपने, तो फिर मैं इसी वजह से दूसरा बनाने वाला हूँ। आप लोग कमेंट किए कि दूसरा प्रॉपर बताओ, क्योंकि अगली बार जो है सही से नहीं बता पाए हैं, तो इस बार मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ किस तरह बैंड किया जाता है और किस तरह 90 बनाया जाता है, किस तरह कुबरी बनाया जाता है, ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देखिए किस तरह बनाते हैं, तो बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बैंडियर दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास बैंडियर है, यहाँ है 10 डिग्री, 22 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर बना के दिखाऊंगा 90 किस तरह बनता है। तो ये देखिए हमारा बैंडियर है और ये पाइप है। तो अभी मैं 50 सेंटी का 90 बना के दिखाता हूँ प्रॉपर किस तरह बनता है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। मैं सबसे पहले मैं डिमेंशन कर लेता हूँ 50 सेंटी का। उसके बाद जो है, अगर जो इस तरफ से बैंड करना है तो हमें 12 सेंटी लेना पड़ेगा, अगर जो इस तरफ से बैंड करना है तो हमें 20 सेंटी लेना पड़ेगा। तो इस तरफ से जो निशान लगा हुआ है 20 सेंटी ले लेते हैं। उसके बाद जो है बैंड करते हैं। देखिए आपके जो अंदर है 50 सेंटी के अंदर जो है निशान, 20 सेंटी जो पीछे लिए हैं वहाँ से आपको शुरू में रखना है ये बैंडियर को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है ये बैंड करते हैं। ये हमारा 90 बन गया है। आपको डिमेंशन करके दिखाता हूँ कि प्रॉपर बना या ना बना। ये देखिए दोस्तों बन गया है 50 सेंटी का, मतलब आधा सेंटी जो है कम है, लेकिन आधा सेंटी कम वैसे चलता है। तो इस तरह आप जो है 90 बना सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कुबरी बना के, ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं, ओवर कुबरी बना के दिखाते हैं। अब मान लिया जाए हमें कुबरी बनाना है, तो इसका कुबरी बनाना है तो किस तरह डिमेंशन लेना पड़ेगा जो कुबरी बनेगा सही, तो चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, मान लिया जाए हमें दीवार से या कहीं बॉक्स के पास से हमको 30 सेंटी पे कुबरी बनाना है, तो किस तरह हम लेंगे डिमेंशन तो परफेक्ट आएगा। तीस सेंटी पे निशान लगा लिए। उसके बाद जो है 10 सेंटी इस तरफ लेना है और 10 सेंटी दोनों तरफ लेना है, 10 सेंटी। ठीक है, ये देख सकते हैं। चलिए इसको बाइंड कर लेते हैं अब। ये देखिए सबसे पहले सेंटर में करना है बाइंड, और ये निशान देख रहे हैं यहाँ पे रखना है आपको। ठीक है, पहले फर्स्ट वाला कर लेना है बाइंड। ये बाइंड कर लिए, फिर सेंटर वाला करना है। फिर लास्ट वाला करना है बैंड। फिर सेंटर से मिला लेना है कि हमारा सही बना कि नहीं। अब सेंटर से थोड़ा और बाइंड करना है। ये देखिए कुबरी का लुक में आ गया है। ये देखिए वीडियो में कट नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरा दिखा रहा हूँ किस तरह बनता है। ये देखिए अब हम चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा प्रॉपर बन चुका है, ठीक है। ये देखिए हमारा 30 सेंटी का जो है कुबरी बन चुका है। ये देखिए प्रॉपर। अब जो है मैं आपको डबल पाइप का, मान लीजिए यहाँ पे डबल पाइप आ रहा है, तो उसका भी कुबरी मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस तरह बनाया जाता है। मान लीजिए 20 सेंटी है हमारा दूरी और इसका कुबरी बनाना है, ठीक है, बड़ा कुबरी बनाना। तो किस तरह डिमेंशन करना है देख लीजिए आप वीडियो में। मान लीजिए हमें 50 सेंटी पे चाहिए इधर, ठीक है, और यहाँ से फिर 50 सेंटी पे बॉक्स लगा हुआ है, फिर इधर हमको कुबरी लेना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह डिमेंशन करते हैं। सबसे पहले हमें 50 सेंटी नाप लेना है। उसके बाद जो है 20 सेंटी नाप लेना है। फिर आगे 10 सेंटी लेना है, उसी तरह जिस तरह कुबरी में लिए थे। फिर पीछे भी 10 सेंटी लेना है। निशान लगा लेना है सही से, आपको प्रॉपर जो दिखे सही से। ये देखिए हमारा प्रॉपर निशान लग चुका है। यह है 50 सेंटी जो यहाँ से यहाँ हमें बॉक्स में चाहिए। उसके बाद है ये 20 सेंटी जो इसकी दूरी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ 10 सेंटी ले लिए, फिर इस तरफ भी 10 सेंटी ले लिए, ठीक है। ये 50 सेंटी के अंदर हम लिए हैं, ठीक है। ये हो गया 50 सेंटी टोटल। उसके बाद जो 20 सेंटी फिर 10 सेंटी, ठीक है। तो चलिए हम आपको बाइंड करके दिखाते हैं। उसी तरह बाइंड होगा जिस तरह कुबरी को किए थे। ये देखिए बड़ा सा कुबरी में बड़ा सा कुबरी बन चुका है। ये देखिए हमारा कुबरी जो है बन चुका है। अब इसको सीधा करते हैं। ये देखिए हमारा बन चुका है। अब आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए बन चुका है प्रॉपर कुबरी। आपको जो है नाप के भी दिखाता हूँ कितना दूरी पे आ रहा है कुबरी, जो आपको बताए थे 50 सेंटी पे बना रहे हैं। ये देखिए हमारा प्रॉपर बन चुका है 50 सेंटी। ये देखिए 20 सेंटी पे है ना। तो इस तरह आप कुबरी बना सकते हैं, डबल पाइप के भी, सिंगल पाइप के। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कॉलम पे किस तरह जो है ऊपर, जैसे मान लीजिए छत के ऊपर बता रहा हूं मैं, यहां बॉक्स लगा हुआ है और हमें जो है पाइप ले जाना है EMT, तो किस तरह हम बॉक्स में ले जाएंगे, ठीक है। तो किस तरह हाफ साइड बनेगा वो भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कितने का आ रहा है? 29 का आ रहा, ठीक है। 29 का आ रहा, तो हमें जो है 29 का आ रहा, तो हमें लेना है 29 सेंटी लेना है। फिर 29 का हाफ करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मार्किंग करके पहले दिखाता हूँ। मान लीजिए हमें ये 90 सेंटी का बनाना है, ये यहाँ से जो है 90 सेंटी का बनाना है, ठीक है, यहाँ से 90 सेंटी को बनाना है। तो पहले हम 90 सेंटी पे निशान लगाते हैं। नब्बे सेंटी पे निशान लगा लिए, 90 सेंटी निशान लगा लिए। उसके बाद जो है 29 पे निशान लगाते हैं। 29 पे निशान लगाते हैं। उसके बाद 29 का हाफ और लेते हैं, 14.5 सेंटी और लेना है, जैसे कि 14.5 सेंटी और लगा लेते हैं निशान। जैसे मान लीजिए आपका आया 20 सेंटी का, तो आपको जो है 30 सेंटी लेना है। मान लीजिए हमें जो है 90 का लगाए यहाँ से निशान, 90 सेंटी का निशान लगाए, तो हमें जो है कुबरी जितना का आएगा उतना आपको, मान लीजिए 10 सेंटी का आ रहा है वो दीवार, तो आपको जो है 30 लेना पड़ेगा। ये 10 का आ रहा तो 15 लेना पड़ेगा, 20 का आ रहा तो 30 लेना पड़ेगा आपको। इस तरह जो है आपको जो है आधा करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बाइंड करके दिखाता हूँ। और आप जो है इसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा था प्रॉपर तरीके से, ठीक है, कि जितना का आपका ये दीवार आ रहा है उसी हिसाब से आपको निशान लगाना है, फिर आधा लेना है उसका, ठीक है। तो चलिए बाइंड करते हैं। ये देखिए हमारा बन गया, हाफ साइड बन गया है। उसके बाद देखिए हमारा बन चुका है। उसके बाद मैं आपको चेक कराता हूँ कि प्रॉपर बना या ना बना है। ये देखिए हमारा हाफ साइड बन गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह जो है ना आप परफेक्ट बना सकते हैं, यहाँ सही से आप सेटिंग कर लीजिएगा, परफेक्ट बना सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह हाफ साइड बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर भी अच्छा लगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।